हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुनिसा शेख, आपका सभी का इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट नॉलेज के बारे में बात। वैसे तो हम दुनिया भर की मालूमात न्यूज़ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हासिल करते हैं, बट मैं आप लोगों को जो है इंडिया से रिलेटेड, इनफैक्ट मुंबई से रिलेटेड बताने वाली हूँ, दिखाने भी वाली हूँ कि किस तरह से मुंबई के साहिल से जो है एक ब्रिज बनने वाला है, सी ब्रिज है जो बनने वाला है, और वो क्या है, किस तरह से, वो डिटेल में अभी आप लोगों को बताऊंगी। आप देखिए, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, जो एक कोस्टल सिटी होने के कारण अरेबियन सी में एक प्रिंसिपल पोर्ट का काम भी करती है। देखिए, ये अरेबियन सी जो कहा गया है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो समंदर है, ये अरेबियन सी है जो मैं शो कर रही हूँ, इसे अरेबियन सी कहा गया है। और ये जो गोल्डन हिस्सा है ना, ये पूरा गोल्डन हिस्सा, ये मुंबई है, ये मुंबई है, ये और ये अरेबियन सी है साइड में, देखिएगा। लेकिन दोस्तों, मुंबई के साथ एक प्रॉब्लम है, अरेबियन सी से घिरे होने के कारण नदन मुंबई तो महाराष्ट्र से जुड़ा है, लेकिन ये देखिए, ये नदन मुंबई है, ये जो है ना नदन मुंबई है, यानी कि मुंबई का शुमाली हिस्सा, मुंबई का शुमाली हिस्सा जो है, ये जो रेड में है, ये रेड महाराष्ट्र है, तो मुंबई का ये शुमाली हिस्सा जो है नदन मुंबई का, ये महाराष्ट्र से जो है जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुंबई का ये जो सदन हिस्सा जो है, ये जो सदन हिस्सा जो है नीचे का, ये हिस्सा, ये किसी से भी, कोई भी मतलब बर्रे आजम से जुड़ा हुआ नहीं है, है ना। इसके तीनों तरफ जो है पानी है, समंदर है, अरबियन सी मौजूद है तीनों तरफ, जबकि ये ऊपर वाला हिस्सा महाराष्ट्र के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ओके, सदन मुंबई तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसी वजह से नवी मुंबई से साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी सीमलेस नहीं है, और इस समस्या को टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जो कि इसे कहा गया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो हिस्सा है, ये मुंबई का साउथ हिस्सा है, जहाँ से ये ब्रिज इस तरह से जा रहा है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये जो हिस्सा है मुंबई का, ये साउथ वाला हिस्सा जो है, ये ब्रिज यहाँ से जा रहा है ना, ये मतलब ये कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी ना, ये जो है मुंबई का जो साउथ हिस्सा है, वो इस यहाँ से और यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहलाएगा अगर ये रेडी हो जाता है तो। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा विद अ लेंथ ऑफ 21.8 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट साउथ मुंबई के सेवरी से शुरू होकर एलिफेंटा आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड थाने क्रीक को क्रॉस करता हुआ नहावा शेवा के पास चिल्ले पर खत्म होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर ये नवी मुंबई टू नहावा शेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, पुणे एक्सप्रेसवे और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में लिंक करेगा। ये अभी आप लोगों को बता रहा है कि ये ब्रिज की लंबाई कहां से कहां तक है और किस किस जगह को क्रॉस कर रही है, बाकायदा हर जगह की जो है नाम वगैरह शो किया गया है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वीडियोस में कवर करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को ये छोटी सी मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।